Morning students, as you all know very well about myself, Ravi Kumar. I am your computer sir, and I will heartily welcome you all once again in this online class. Dear students, today we are going to take the revision class for periodic test 3, like using a mouse and handling a mouse. This chapter is using a mouse in for class first, and for class second there is a chapter handling a mouse, means how we have to use a mouse. Mouse को कैसे use किया जाएगा और mouse को कैसे handle किया जाएगा, तो दोनों को mix up करके मैंने एक video तैयार किया है छोटे बच्चों के लिए. तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस पे आइए नजर डाला जाए. जैसे कि ये आपका पहला क्वेश्चन है, विच फिंगर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट माउस बटन. आंसर, इंडेक्स फिंगर. तो क्वेश्चन को बच्चे क्या है समझते नहीं है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है. इट मस्ट बी मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, इट मस्ट बी कंपल्सरी टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क यू. आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच फिंगर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट माउस बटन. विच फिंगर, WHICH, विच, विच फिंगर मस्ट बी प्लेस्ड, WHICH, विच मीन्स कौन सा, विच कौन सा, FINGER, फिंगर, फिंगर मीन्स उंगलियां, कौन सी उंगली मस्ट बी, बहुत जरूरी है, PLACED, प्लेस्ड ऑन, ON, PHE, द LEFT, लेफ्ट, MOUSE, माउस, BUTTON, बटन. यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सी उंगली बहुत जरूरी है माउस के लेफ्ट बटन पे रखने के लिए. विच फिंगर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट माउस बटन, माउस के लेफ्ट बटन पे कौन सी उंगली रखनी है ना. तो आंसर है आपका इंडेक्स फिंगर, माउस के लेफ्ट बटन का, माउस के लेफ्ट बटन पे विच फिंगर मस्ट बी प्लेस्ड, आंसर इज इंडेक्स फिंगर. आपकी इंडेक्स फिंगर उस पे होना चाहिए, किस पे, लेफ्ट माउस बटन पे, माउस के लेफ्ट बटन पे इंडेक्स फिंगर होनी चाहिए. और क्वेश्चन अगर होता कि राइट बटन पे कौन सी उंगली होनी चाहिए थी, अगर यहां पर लेफ्ट की जगह पर राइट होता तो इंडेक्स की जगह पर मिडिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिडिल, यहां पर मिडिल फिंगर. कम टू द क्वेश्चन नंबर टू, वेयर डू वी फिक्स द टेल ऑफ ए माउस. ये जो माउस का जो ये टेल लिख रहा है, टेल, टेल मीन्स जो उसका वायर है, जो उसका केबल है, ये केबल, वेयर डू वी फिक्स द टेल ऑफ ए माउस. तो ये जो माउस का जो केबल है, हम इस केबल को कहां फिक्स करेंगे, कहां पर इसको जोड़ेंगे,
माउस एक इनपुट डिवाइस है, जानते हैं आप, और इस माउस के साथ में एक केबल भी होता है, यानी तार जिसको आप कहते हैं। तो ये तार आप कहां पर फिक्स करेंगे, यानी कहां पर इसको जोड़ना है, जोड़ने के लिए ही आपसे ये पूछ रहा है। WHERE where means कहां, कहां जोड़ेंगे, तो आंसर होगा इन CPU, IN, means अंदर, CPU के अंदर। तो ये आंसर, CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग एंड यूनिट। इज इट क्लियर? क्या मैं सभी बच्चों को मेरे समझ में आ रहा है? कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? आंसर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या कहेंगे? संगणक। मैं हिंदी में लिख देता हूं, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। ये संगणक है, कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी विद्युत मशीन, जिसको हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है व्हाट इज माउस? अब माउस यानी किसे कहते हैं? तो माउस के लिए आंसर दे रखा है कि माउस इज एन इनपुट डिवाइस। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इस इनपुट डिवाइस की मदद से हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। होल्ड करना, ड्रैग करना, सेलेक्ट करना, ये सारा काम हम लोग माउस की मदद से कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि दिस इज आवर दिस वन इज योर बटन नंबर 1, इट मींस लेफ्ट बटन। दिस वन इज बटन नंबर 2 कॉल्ड राइट बटन। एंड दिस वन इज बटन नंबर 3 नेम स्क्रोल बटन। तो ये 3 तरह के बटन है। बटन नंबर 1 लेफ्ट बटन, बटन 2 राइट बटन, एंड दिस वन इज बटन 3 स्क्रोल बटन। एंड दिस वन इज कॉल्ड केबल। आप इसको वायर भी कह सकते हैं। एंड दिस वन इज बैक पार्ट ऑफ माउस। बैक पार्ट या कवर ऑफ माउस। आप इसको बैक कवर भी बोल सकते हैं और बैक पार्ट भी कह सकते हैं। एंड दिस वन इज योर स्क्रॉल बटन। तो ये माउस है। कम फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर
5. How many buttons are found in mouse? How many buttons are found in mouse? माउस में कितने बटन्स होते हैं? मेरे सभी बच्चों को मालूम है कि माउस में 3 बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल बटन. लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन, 3 बटन्स होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल. This is the question number 6. What is USB? USB यानी आप ये मोबाइल का देखें चार्जर, इस तरीके के चार्जर होता है जो ये वाला क्वेश्चन, तो इसी क्वेश्चन को कहते हैं USB. यहां भी देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है केबल, इन केबल्स को ही कहा जाता है USB केबल. और USB का पूरा नाम क्या होता है? U का मतलब होता है यूनिवर्सल, UNIPERSAL यूनिवर्सल. S से होता है सीरियल, SERIAL सीरियल. B से होता है बस, BUS बस, यूनिवर्सल सीरियल बस. और इन केबल्स को ही कहा जाता है यूनिवर्सल सीरियल बस. ये आपके मोबाइल के चार्जर में भी दिखाई देगा. तो इस टाइप के केबल्स को ही यूएसबी केबल कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू क्या होता है? इस बॉक्स को दरअसल हम लोग कैबिनेट के नाम से जानते हैं, कंप्यूटर में इस बॉक्स को ब्लैंक बॉक्स को कहते हैं कैबिनेट. क्या कहेंगे? कैबिनेट. लेकिन छोटी क्लासेस में इस बॉक्स को सीपीयू के नाम से जाना जाता है. छोटी क्लासेस में बच्चे इसको प्यार से सीपीयू कहते हैं, लेकिन वैसे इसको कैबिनेट कहते हैं. ब्लैक बॉक्स को क्या कहेंगे? कैबिनेट. तो ये जो सीपीयू है, व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ए सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8. नेम द बटन्स ऑफ माउस. और यहां पर आपके माउस के कौन कौन से बटन्स होते हैं उसके नेम्स आपको बताने हैं. तो यहां पे माउस के जो बटन्स हैं उसमें सबसे पहले आपका आएगा लेफ्ट बटन, LEFT लेफ्ट, BUTTON बटन लेफ्ट बटन. सेकेंड में लिखा हुआ है RIGHT राइट, राइट बटन. एंड थर्ड में लिखा हुआ है स्क्रोल बटन, SCROLL स्क्रॉल, BUTTON स्क्रॉल बटन. और ये स्क्रॉल बटन माउस के मिडिल में होता है. स्पेलिंग मिडिल की MIDDLE मिडिल, MIDDLE मिडिल. लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल बटन और मिडिल. तो ये तो था बेटा कुछ हमारे लिए क्वेश्चन आंसर्स के बारे में. मैं उम्मीद करता हूं एंड आई ऑल्सो होप ईच एंड एवरी स्टूडेंट नोज वेरी वेल हाउ टू वी हैव टू कंसेंट्रेट इन अवर स्टडीज. जिन बच्चों को जहां पर डाउट होगा आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करेंगे और अपना क्वेश्चन वहां पर छोड़िएगा, या मेरे इस यूट्यूब के चैनल के नीचे भी कमेंट बॉक्स है, वहां पर भी आप अपने क्वेश्चन को क्वेरी कर सकते हैं. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.